कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व और टिकट आवंटन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोमवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इस नाते उनकी ही अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है, ये स्वाभाविक है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जिसे भी जो जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी का वह निर्वहन करेगा। टिकट आवंटन को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति विशेष की गणेश परिक्रमा कर किसी को टिकट नहीं मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनावों में मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा जो जिताऊ होगा और साफ छवि वाला होगा। उन्होंने कहा कि टिकट देने का पैमाना हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आवंटित किया जाता है और जो आवंटन का अंतिम पैमाना केंद्रीय हाईकमान तय करेगा उसी के अनुसार टिकट दिए जाएंगे। इसमें कहाँ किसको, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते जो मेरा दायित्व है, जो मेरी ड्यूटी है, वो मैं करूँगा। जो औरों को हम सौंपेंगे वो करेंगे। तो सब अपना अपना काम, जो जिसको जो जिम्मेवारी दी होगी उस जिम्मेवारी का। मैं तो जिन चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस बरसों से चुनाव नहीं जीती है, हमने 22 क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए हैं, मैं तो स्वयं वहाँ जाकर पदयात्रा कर रहा हूँ। अभी भोरंज में हम 35 साल से नहीं जीते, मैं और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हम गए वहाँ, हमने पदयात्रा की। दूसरे और जो क्षेत्र हैं वहाँ भी हम जा रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ और हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष है, उनसे भी हम पूरा फीडबैक ले रहे हैं। जो मजबूत उम्मीदवार है उसको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और अगले चुनाव में उसी को टिकट दिया जाएगा जो चुनाव में जीतने की क्षमता रखता हो, जिस की छवि साफ हो। ये बाकी मापदंड पार्टी आला कमान ने बनाने, जो मापदंड होंगे उस मापदंड पे जो खरा उतरता हो उसी को टिकट मिलेगा। किसी व्यक्ति विशेष की गणेश परिक्रमा करके टिकट मिलने वाला नहीं है, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार की तरफ से अभी तक अपनी नीति स्पष्ट नहीं की गई है। एक तरफ सरकार कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी कर रही है लेकिन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 10 जनवरी को प्रस्तावित अपनी रैली को रद्द कर चुकी थी, उसी के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से सार्वजनिक कार्यक्रमों की रद्द करने की घोषणा की गई। कि जब पहली लहर आई उसके बाद सरकार, उस वक्त सरकार असफल रही क्योंकि उस वक्त हमको कोरोना का जो बिहेवियर है उसके बारे में पता नहीं था। इन्होंने लापरवाही बरती, दूसरी लहर आई और दूसरी लहर में क्या हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया। जो भयानक मंजर है वो हम सब लोगों ने देखा है। अब तीसरी लहर ओमिक्रॉन की आई है तो अभी भी सरकार की पूरी तैयारी नहीं है और सरकार अपने बनाए हुए नियम खुद तोड़ रही है। दोहरे मापदंड है, एक मापदंड सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक विपक्ष में लोग बैठे लोगों के लिए। अब 5 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होती है, वहाँ फैसला लिया जाता है नो मास्क नो सर्विस, और अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों में आके आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी रैलियां करते हुए नजर आए। बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने कार्यक्रम दिया, मेरा भी आज 10 तारीख को जन जागरण का कार्यक्रम था, मैंने स्थगित किया। पिछले कल जब मैंने स्थगित किया, मैंने सरकार से अनुरोध किया कि राजनीति तो तब होगी ना अगर जनता का स्वास्थ्य ठीक होगा, तो उस दबाव में आज मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम रद्द किए। अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने विपक्ष की आवाज़ को सुना, सुनना भी चाहिए। लोकतंत्र में अगर पक्ष और विपक्ष अपना अपना काम करेंगे लोकतंत्र मजबूत होगा, लोगों को फायदा होगा। तो अभी भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप पूरी तैयारियां करें, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं कि इनकी पूरी तैयारियां। आप आने वाले समय में अगर केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, तो आपके पास क्या कार्य योजना है जनता को बताएं, क्योंकि जनता में अभी बहुत ज़्यादा घबराहट है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, सरकार में बैठे हुए लोगों से अनुरोध है कि इस नए वायरस को लेकर इनकी क्या कार्य योजना है उसको सामने लेके आए, ताकि जिस तरह से पहली लहर और दूसरी लहर में हाहाकार मचा ऐसा ना हो। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान पर पीसीसी के चीफ कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बंद कमरों में सदस्यता अभियान मान्य नहीं होगा, फील्ड में जाकर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को
चूक के मामले में हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में आपसी बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि ये भाजपा नहीं है जहां महज दो लोग भाषण देते हैं और बाकी सभी ताली बजाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हर नेता को बोलने का अधिकार भी है। और बहुत मेंबर बन रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं फेक मेंबरशिप के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो भी मेंबरशिप है वो बूथ में जाके होनी चाहिए, ना कि कमरों में बैठ के, जैसा अतीत में कई बार होता रहा। तो मेंबरशिप अभी हमारी चल रही है, 31 मार्च तक ये कैंपेन हमारा मेंबरशिप का चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में यही बुनियादी फर्क है। आज भारतीय जनता पार्टी में दो लोग कहते हैं, बाकी तालियां बजाते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। किसी मुद्दे पे राय अलग-अलग हो सकती है। अगर किसी ने राय दी है, उसने किस परिस्थितियों में दी है, इसको समझना होगा। अगर दूसरे ने कहा है, उस परिस्थिति को समझना होगा। मुझे लगता नहीं कि ये इतनी बड़ी जो बात है जिसको लेके हम तिल का ताड़ बनाएं। गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि हर बैठक में सभी लोग मौजूद रहें। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। सभी नेताओं के अपने व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है। हालांकि पार्टी को कमजोर करने की यदि प्रयास किए जाएंगे तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। रही है कांग्रेस, अगर धड़ों में होती तो क्या हम 4 चुनाव जीतते? मिलके लड़े ना। अब ये तो नहीं है कि पूरी कांग्रेस इकट्ठे मिलके जहां भी हमको लंच करने जाना हम पूरी कांग्रेस लेके चले, ऐसा तो संभव नहीं है। कोई हमको डिनर पे बुलाए वहां हम सारे इकट्ठे होके चले, आज हम यहाँ आए। अब आज ये संभव नहीं है कि पार्टी के जितने हमीरपुर के लोग हैं वो सारे इकट्ठे हों, ऐसा नहीं होता। इन चीजों को इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए। अगर किसी बैठक में कोई नेता नहीं आता तो उसकी अपनी मजबूरियां हो सकती है, तो सब अपना अपना काम अपने स्तर पे करें। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है और इकट्ठी रहेगी, और अगर कहीं कोई कमजोर करने का प्रयास करेगा वो मैं सहन करने वाला नहीं।